आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज़, सच की खबरें सबसे पहले। हमीरपुर से आए मुख्य विकास अधिकारी चंद्रपाल सिंह जी ने राठ विकासखंड का औचक निरीक्षण करके किए गए कार्य में कमी पाए जाने पर लगाई कड़ी फटकार। श्री चंद्र सिंह जी ने कहा कि राष्ट्र और शासन द्वारा मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, NRLM की कार्यशैली को गति दिए जाने की संबंध में तेजी लाने को कहा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। वह जितने भी कर्मचारी इसमें कार्य कर रहे हैं वह अपने कार्यशैली को ठीक से करें। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मनरेगा योजना में 15 तालाब चिन्हित किए गए हैं, जिसमें तालाब का सुंदरीकरण और तालाब इस प्रकार से बनाया जाना है जिससे ज्यादा पानी तालाब में भर सके। अभी कुछ गांव ऐसे भी है जिसमें बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिसमें ग्राम गलियां काफी हद तक उन्नति की ओर है। श्री चंद्रपाल सिंह ने कहा कि काम में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। अभी समीक्षा चल रही है और जो भी कमियां हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। समीक्षा बैठक में हर ग्राम के ग्राम सचिव और प्रतिनिधि मौजूद रहे। जो भी समस्याएं मनरेगा के तहत कुछ कार्यों की बारे में आप बताएंगे? मनरेगा में हमारे यहाँ पंचायत में काम चल रहा है, इसका लेबर अप्रूव होता है, तो हमारे 15 तालाब चिन्हित किए गए हैं कि जिसमें अब वर्षा होगी तो उसका पानी भरने से लोगों को लाभ मिलेगा, जल स्तर ऊपर उठेगा, साथ ही वहाँ पशुओं के पानी की व्यवस्था होगी। दूसरा यह तालाबों का फायदा है, गाँव में जो कोई आकस्मिक घटना हो जाए, आग यदि हो जाए, कुछ हो जाए, तो सिर्फ 100 तालाब का पानी बचता है जो सबसे गरीब होता है। सर आपने ऐसा जांच की उसमें कोई ऐसा गांव पाया है जो विकास कार्य में सबसे आगे हो? नहीं, अभी मुझे समीक्षा करनी है कर्मचारियों की, वो बैठे हुए, मैं उसके बारे में डिसाइड कर पाऊंगा। इंडिया टॉप न्यूज़ से हमीरपुर से संवाददाता अति खान की खास रिपोर्ट।